व्हाट इज द पीपल, वी आर बैक ऑन अनदर एपिसोड ऑफ डू इट डाई, मतलब डू इट डाई क्या बोल रहा हूं मैं, डू अ डाई एसएमपी। ओ यस, सो गाइस फिर से यस अनदर डे अनदर हाउस अनदर अटैक, एंड फिर से मेरा बेस जो था इसको फिर से किसी ने तबाह कर दिया। सो गाइस जस्टिस फॉर मी, हैशटैग जस्टिस फॉर मी गाइस, कमेंट में लिख देना यार, क्योंकि यार इतना घर टूटा तोड़ी चल रहा है ना, कहीं क्या ही बात है जिंदगी। ओके सो कोई दिक्कत नहीं अभी, ओके अभी तो बाहर नहीं जा रहा, मुझे सोना है बेड। ओके रहा तो बेड गाइस, मैं बेड अभी साथ में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यस आप उन्हीं सीजर का भी घर बनाएंगे। सो गाइस देखो मैं घर बनाने वाला था, बट इधर किसी ने ऑलरेडी घर बना दिया। ओ माई गॉड, हेलो, इनसे कहते बंगा नहीं लेने का, ये किसका घर है? आई डोंट नो ये किसका घर है, एंड ये तो ओके चलो गाइस सो जाता। अरे मैं बाहर सो गया भाई, क्या जिंदगी है। हाँ कोई ना, चलो जी तो सबसे पहले सो जाते हैं। ओके सो के मैं सुबह भी कर लिया, और इधर बहुत सारे झिंगे लोग भी आ चुके हैं, झिंगे यानी ये सब चीज़ें, तो अभी इनको इग्नोर मार के इधर ना बहुत सारे मैंने मैप में देखा था एक बड़े बड़े घर। आउच मत मारो यार, तो मैं सोच रहा था कि जो घर है बड़े बड़े ये आई थिंक छोटे छोटे डंजन्स वगैरह है, सो बाहर से जाके मैं थोड़ा सा आइटम वगैरह कलेक्ट करके आता। वो ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ब्लॉक शॉप। ओ ओके ये ओके ये किसी का ब्लॉक शॉप है। ओ नाइस, तो जितने भी सारे ब्लॉक ज़रूरत पड़ेगा इधर से मैं खरीद लूँगा, क्योंकि मेरा को अपना घर बिल्ड करना है यार सबसे पहले, तो जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए। ओ हेलो, अरे ओ ये सब क्या है, इतने सारे डेड बॉडीज, ये डेड हेलो मैं डेड ओके एक सेकेंड, ये है साइंटिस्ट, चेस बस्टर साइंटिस्ट, तो इन लोगों को किसी ने मार दिया यार ये साइंटिस्ट को। एक काम करते हैं, इनको मैं इनका जो बॉडी है या ये पता नहीं ये डेमो या बॉडी। ओ ब्रो क्या सब चीज़ें, क्या सब चीज़ें, और ये पूरा का पूरा। और एक चीज़ बताओ, ये आयरन ब्लॉक से मुझे नहीं पता ये आयरन ब्लॉक है, बट मुझे लग रहा है कि ये ऑलरेडी लूटेड है, इसने ये पूरा लूट चुका है। सो मैं ये तो, अरे यार मैं ये तो लेके जाने वाला हूँ। सो ये ऑलरेडी लूटेड है, किसने ये पूरा लूट चुका है, एंड मेरे पास टॉर्च है ना, आ जाओ टॉर्च आ जाओ। ओके सो इधर कोई खतरा है ना, अरे भाई खुल जाना। ओके तो ये ओके ये ऑलरेडी लूटेड है, लॉग बुक। ओके ये लॉग बुक क्या चीज़ है बताओ, सॉरी ये नहीं, रिसीव न्यू क्या स्पेसिमेंस वर्ड फॉर द वेबल होस्ट, द होस्ट रिसीव एंड ओ माई गॉड, इधर ये लोग खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे यार, ये सब रखो इधर। और इधर कुछ है क्या, इधर भाई बाथरूम टॉयलेट पे हर जगह पे डेड बॉडी से डेड बॉडी से, बट ये जो आयरन के ब्लॉक्स है ना मैं उठा लेता हूँ यार, किसी पता नहीं किसने ऑलरेडी कैप्चर करके रखा होगा, तो आई डोंट केयर यार। ओयो तो मैंने ऑलमोस्ट एक स्टैक के थोड़ा सा ऊपर भी ले लिया है, अभी इधर शुगर केन भी मुझे दिख रहे, तो एक काम करते शुगर केन वगैरह भी ले जाता हूँ, क्योंकि आने वाला टाइम पे काम लग गया तो यार क्या ही करेंगे। सो इधर कुछ है क्या, इधर से किसी ने ओए मुझे ना सैंड वगैरह भी बहुत से सैंड चाहिए, तो इससे मैं सैंड तोड़ सकता हूँ। ओके इससे सैंड नहीं तोड़ सकता, तो सैंड तोड़ने के लिए कुछ होता है क्या इसमें, ये वाला चीज। ओके चलो तो ये बन चुका है मल्टी स्पेस, आई डोंट नो इससे क्या होता है, तो ये मेरा बन चुका है, इससे एक बार ट्राई करके देखना ये क्या चीज़ है। और ये क्या है, आयरन लॉक कल्टर, तो इसके लिए हमको एक्स चाहिए, तो एक्स होपफुली एक एक्स है मेरे पास, तो मैं और एक एक्स बना लेता हूँ। सैंड कलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे हमारा दूसरे काम करने, पेस के लिए मेटेरियल इकट्ठा करने एंड माइनिंग करने, होपफुली बाबे कुछ ना हो। हाँ सो फाइनली बेस आने के बाद मैंने पूरा एरिया को फिल किया, फिल करने के बाद मैंने कुछ डिज़ाइन लगाई, देखो ये जो डिज़ाइन है थोड़ा सा अलग टाइप का बना रहा हूँ मैं, नॉर्मली जो घर है ना ऐसा डिज़ाइन नहीं होगा, कुछ बॉक्स टाइप का होगा, बट पूरा बॉक्स नहीं होगा, कारण उसके भी वो आने वाला टाइम पे आपको पता पड़ेगा। सो ये मेरा बेस का डिज़ाइन है एक्चुअली, तो इतना छोटा बेस, छोटा नहीं एक्चुअली बहुत ही बड़ा है, तो यस बहुत बड़ा ये बेस। मामू एंड ओके स्टोन, तो पाँच गल चुका है, आयरन, अब आयरन कितना गया गाइस, ओके ये रहा एक आयरन, चलो एक आयरन आ चुका है, अभी स्टोन कटर डन, चलो स्टोन कटर भी बन चुका है हमारे, तो फटाफट करके हमारा काम खत्म करते हैं। ओके सो ओम भाई साहब, अच्छे अच्छे ब्लॉक्स है यार, व्हाट इज दिस, ये है ले डेट्रॉइट, एक बना के चेक करते हैं ये क्या है। ओके ये थोड़ा सा डिज़ाइन अलग दिखता है इसके, ओके नॉट बैड नॉट बैड, आ जाओ और ओके एक बार बनाने का फिर से चेंज नहीं कर सकते थे हम, ओके नहीं कर सकते, तो क्यार फिल्म को बनाना पड़ेगा। ओके तो ये मैं घर के अंदर यूज़ कर सकता हूँ ये वाले, सो फिलहाल पॉलिश्ड वाले तो यार ये सेम ही दिख रहा है ना पॉलिश, और ये तो ठीक है ये पॉलिश वाले यूज़ करता हूँ कभी कहीं ना कहीं पे। चलो जी तो सबसे पहले पिलर का जो डिज़ाइन है वो मैं कंप्लीट करता हूँ, देखो पिलर जैसे होने वाला है ये मेरा पूरा परफेक्टली, एक दो तीन, चलो ये तो ऑलरेडी बन चुका है, अभी अभी भी बहुत सारे काम बाकी इसको ठीक करने के लिए, अभी चारों तरफ ग्लासेस वगैरह लगाना पड़ेगा जो थोड़ा सा काम है, अभी मुझे ना इधर ना पिलर्स लगाना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ ये पिलर्स ये दोनों के व्हाइट नहीं
व्हाइट में जस्ट यूज करने वाला इस जगह पे 1, 2, 3 ओके, सिर्फ ये दोनों जगह पे व्हाइट यूज होगा, बाकी कहीं पे भी व्हाइट ब्लॉक्स यूज नहीं होगा क्योंकि मेन जो चीज है हमको वही। अरे यार एक तो गड्ढा का व्हाट लावली, चलो डेट्रॉइट जी ऊपर ले चलो मुझे, थैंक यू। अरे ये क्या था गाइस, मैंने इधर एक इधर नीचे आते आते मैंने एक ब्लॉक को जस्ट टच किया है, देखो ये ब्लॉक को जब मैंने टच किया ना ये वाला ब्लॉक, और मैं कहाँ पे आ गया था देखो ये जगह पे। भाई ये कौन सा जगह है यार, हेलो पूरा अंधकार है, मुझे लग रही है वार्डन वाला जगह है गाइस। रुको 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 रुको, इधर डीप स्लेट मिलेगा ना तो ब्लॉक को ना थोड़ा सा संभल के बनाओ, टावर ही बनाता हूँ एंड ये ब्लॉक है ना इसको मैं तोड़ लेता हूँ गाइस, क्योंकि मैं इसीलिए आया था इस जगह पे ब्लॉक लेने के लिए। अब ये अजीबोगरीब जगह मिलेगा तो ये तो मुझे नहीं पता था यार। गाइस फटाफट करके ब्लॉक ले लो और निकलते हैं गाइस, ब्लॉक लेके मैं सीधा निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे लग रहा है वार्डन वाला जगह है जहाँ से वार्डन स्पॉन होता है, ऐसा मुझे फील आ रहा है। ओके कितने सारे ब्लॉक यार, बहुत सारे कितने मिल गया, डीप स्लेट तो अच्छा खासा मिल गया। ओ भाई भाई ये क्या है, ये क्या है, ये सलका ये वो है ना इसको क्या बोलते हैं, अरे ये तो भाई मेरे को डर लग रहा है यार, डिटेल बता रहा इस जगह पे। रुको रुको रुको, लेकिन मुझे डीप स्लेट चाहिए था तो मैं इधर नीचे आ गया था तो डीप स्लेट के लिए, तो वो लेके लेने के बिना तो मैं जाने नहीं वाला इस जगह से, तो जैसे भी मैं सबसे पहले तो डीप स्लेट माइन करूंगा जितने सारे हो सके। भाई मेरे को डर लग रहा है कि अभी आ जाएगा वार्डन, यार ऐसा मत करो वार्डन जी, ये तो मेरा वर्ड लग जाएगा फिर। रुको 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 जी, सबसे पहले फटाफट का जितने सारे एरिया है ना माइन करो, व्हाट इज दिस, ओके ये ऑलरेडी डीप टाइल्स मुझे मिल रहा है इस साइड से, टाइल्स तो टाइल्स का तो मुझे नीडेड नहीं है। हाई नहीं हाई गाइस, ओके तो फाइनली मैंने कुछ डिजाइन सोचा है, सो कुछ ऐसा दिख रहा है, ओ माय गॉड एक तो खून की ऐसी की तो कुछ घर में ऐसा डिजाइन दिख रहा है, तो इधर थोड़ा गिलास का कमी पड़ गया मेरे पास, गिलास अभी हमारे पास इतने ज़्यादा ग्लासेस नहीं है जो मैं, अरे फिक्स कर सकते हो, रुको रुको आई थिंक ये जगह ना फिक्स हो जाएगा, आई थिंक सो यस सो डन। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्योंकि इस देखो ये जो जगह है ना इधर हम लोग बनाने वाले अपना फार्म, घर के अंदर एक फार्म होगा गार्डन टाइप का और ये जगह से हम लोग अंदर जाएंगे, बट इधर भी बहुत सारी चीज़ें अभी तक बाकी है डेकोरेशन के लिए, वो हमको धीरे धीरे फिक्स करना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ इसको ऐसे कर दूंगा जस्ट लाइक डैट। और ये से देखो कुछ ऐसा डिजाइन मैं करना चाहता हूँ अगर पॉसिबल है तो। अरे 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाद में इसका मैं वो चुका देगा आपको। और बताओ क्या चल रहा है, तेरे को डायरेक्ट मिले तो वो बाद में दे देना। हाँ ठीक है मैं दे दूंगा बाद में आपको। और अरे ये जो है जूता वो जो सींग वाला आता है ना, हाँ रात को, उसको मारने से भाई वो ड्रॉप्स मारता है भाई। अरे तो बट उसको तो मारना बहुत हार्ड है ना वैसे तो। अरे आसान है रे, बस दो ब्लॉक हाई पे जाके रुक जाओ तुम, बिल्कुल अपने नीचे वो आएगा वहाँ पे खड़ा रहेगा, बस मारो उसको भाई। अरे बट ये डैमेज नहीं ड्रॉप करता है, फुल ड्यूरेबिलिटी वाला ड्रॉप करता है, डैमेज वाला ड्रॉप करता है या फुल अच्छा वाला ड्रॉप करता है। एक तो वो चांसेस है कि एक तो उसका कटाना के तरह रहता है स्वॉर्ड, वो ड्रॉप करेगा या फिर एक एक करके तुमको पूरा आर्मर ड्रॉप। अरे फिर तो रात में ग्रैंड करना पड़ेगा यार। अरे वो स्वॉर्ड उसका 25 अटैक डैमेज का है। अरे भाई फिर लेना पड़ेगा यार ग्रैंड करके, बट वो टूटा हुआ होगा आई थिंक, आधा डैमेज हुआ होगा आई थिंक सो। हाँ तो वही ना मेंडिंग तुमको ये करना पड़ेगा। करते हैं फिर रात को ग्रैंड करते हैं, 25 डैमेज यानी यार बहुत पावरफुल बन जाएंगे यार ये तो। ठीक है फिर, और मैं घर, हाँ बताओ। और गोश्त जो है ना, गोश्त को मारने से कभी कभी ऐसे कुछ शार्ट्स के तरह ड्रॉप करते हैं, तो दो तरीके के शार्ट्स रहते हैं, अगर वो दोनों ही मिले तो तुम खुद का एक कटाना के तरह बना सकते हो। अरे ये भी सही है, अटैक डैमेज करेगा। अरे ये तो सही है, फिर रात, बट मैं ना थोड़ा सा पावरफुल नहीं था इसलिए मैं रात भर में डर लगता है मुझे, इसलिए मैं रात नहीं होने देता, मैं सो जाता हूँ। क्या ही करें बताओ, तुम्हें तो मजा आ रहा है। ओके तो गाइस आउच, तो रावण भाई के पास डायोराइट लेने के बाद फाइनली हमारा जो बेस का डिजाइन है कुछ बेकार दिख रहा है। यस मुझे पता है गाइस थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, बट काला काला ब्लॉक जब ऊपर ऐड कर दूंगा ना तब मजा आएगा। ओके तो और एक चीज जो काम बाकी वो हमारे पास ना कुछ सीआर नामक प्रजाति चाहिए। अरे यार आयरन, और नो मेरे पास आयरन नहीं है। अरे रुको यार मेरे को मेरा छोटा वाला बेस में जाने दो, जो लोगों ने तोड़ तोड़ के ना मेरा बेस का हालत कर दिया खराब, बट कोई नहीं यार स्टिल वी आर वेरी गुड। ओके तो चलो जी, और आयरन दे दो हमको। गाइस आप लोग बोल रहे थे मेरा पासवर्ड, हाँ मैंने बताने वाला गाइस पासवर्ड क्यों रिवील करूँ बताओ।
और आप लोग जो पासवर्ड सोच के रखो ना, वो भी पासवर्ड नहीं है मेरा, मैं बता रहा हूँ ठीक है। इतना आसान नहीं हमारा पासवर्ड जानना, अरे बड़े पासवर्ड जानने वाले। हाँ ओके सुगस, आपको देख रहा है मेरा बेस के नीचे बहुत सारा लाल 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 चीजें, क्योंकि मेरा बेस के नीचे मॉब स्पॉन हो रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर से फिल किया नीचे नहीं फिल किया, तो वो भी मैं थोड़ी देर के बाद फिक्स कर दूंगा नीचे पूरा टॉर्चेस लगा के। तो अभी मेरे पास अभी फिलहाल टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हमको बेस कंप्लीट करना है सबसे पहले। तो कहते हो अभी नीचे फ्लोर भी कंप्लीट करना है, बहुत काम बाकी है। तो सबसे पहले अभी हम लोग करते हैं हमारे ऊपर का डेकोरेशन वाले काम। चलो तो डीप स्लेट तुमने ले लिया है, तो डीप स्लेट से हम लोग करेंगे क्या, देखो ऐसा करेंगे डीप स्लेट से काले काले फिल आएंगे, बता रहा हूँ। और भी चीज़ें कि कहीं सिर्फ काले काले करके मैं ख़त्म नहीं करने वाला, इसमें और भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, वो आपको मज़ा आएगा ठीक है। इतने सारे ज़ॉम्बीज दिख रहे हैं मुझे नीचे, तो इनको धीरे धीरे करने के लिए और तो इनको क्लियर करने के लिए हमको सबसे पहले करना पड़ेगा। ओ भाई 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 भाई, भाई। ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्पॉन हो गया यार। हेलो क्रीपर के बच्चों, ओ भाई एक दूसरे के, भाई क्या डैमेज दे रहा है यार ये लोग। अरे रुको रुको, सबसे पहले टॉर्च लगा दो, अंडर अंडर टॉर्च। ओरे भाई कितने सारे ज़ॉम्बीज है यार, भाई क्या डैमेज दे रहे हैं ये लोग। एक दूसरे के साथ मारामारी करो, क्या कर रहे हो, एक दूसरे के साथ मारामारी, एक दूसरे के साथ। अरे भाई मैं टपक जाऊंगा। रुको रुको गाइस, हेल्थ बढ़ाने दो। ये बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है यार ये लोग। पर चलो क्रीपर को मैंने वर्ड लगा दिया है, एंड अगर ओ भाई अंदर एक क्रीपर नहीं, करोड़ों क्रीपर है अंदर। रुक जाओ गाइस, क्रीपर को बंदोबस्त करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वो है डर्ट के। क्योंकि डर्ट जब तक नहीं मिलेगा मेरा जिंदगी सफल नहीं होने वाला है। कुछ तो अजीब गरीब आवाज़ आ रहा है यार, पता नहीं यार गाइस, कुछ तो अजीब गरीब आवाज़ आ रहा था इस जगह से। हाँ तो फाइनली ये जो चीज़ है ना, हम लोगों ने फिक्स कर दिया नीचे वाला जगह। एंड एक काम करते, कुछ पत्ते बत्ते में तोड़ लेते, क्योंकि थोड़ा डेकोरेशन करने के लिए काम आएगा ना पत्ते। ये कुछ ऐसे कर देता हूँ मैं, थोड़ा कोने कोने पे थोड़ा फील आना चाहिए घर के पास। अरे यस, ये वन असली वाले बात है। चलो तो वही कोने पे सेम चीज़ करूँगा मैं, इस कोने पे भी। आई थिंक ये जगह एक कोना था ना, यस एक कोना। चलो जी, ये डन यस। चलो तो ऐसे करके हम लोग फील लेंगे पत्ते वत्ते का, थोड़ा सा मज़ा आएगा इसके ऊपर। और ये जो पत्ते हैं ना, जैसे पूरा नीचे गिराऊंगा पत्ते, तो इस ओके तो पत्ते ख़त्म, यस पत्ते ख़त्म। तो इतना ही है डेकोरेशन अभी के लिए, क्योंकि अभी ज़्यादा मटेरियल नहीं है, स्टार्टिंग में इतना मटेरियल आ चुका है, वो भी देखने वाली बात है यार, क्योंकि इतना मटेरियल तो होना भी नहीं चाहिए मेरे पास अभी। चलो थोड़ा सा ये ऐसा कुछ अजीबोगरीब दिख रहा है अभी, तो इतना काफ़ी तो नहीं है, क्योंकि अभी ना बहुत सारे काम बाकी अभी हमारे पास, वो सब काम में अभी स्टार्टिंग मतलब कम्प्लीट ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी मुझे ना बहुत सारे ये ब्लॉक चाहिए जिसके मदद से मैं पूरा अच्छी तरह से डेकोरेशन कर पाऊँ। बट अभी के लिए जितना बना है ना, उतना स्टार्टिंग हाउस के लिए काफ़ी है, हाउस के लिए के अभी अभी आएगा ना असली वाले मजा। तो गाइस ये जो जगह है ना, ये पूरा जगह हम लोग फार्म बनाने वाले हैं, तो ये जगह को छेड़छाड़ नहीं करेंगे पूरे एरिया पे। अरे यार ओके, तो बाकी जितने सारे एरिया ना मुझे छेड़छाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनको बनाने दे घर। और टॉर्चेस भी लगा लेता हूँ इन केस कोई दिक्कत ना हो भाई, ज़ॉम्बी में भी स्पॉन ना हो जाए, तो सब टॉर्चेस इनाफ है। अब इसको पूरा खोदता हूँ मैं, इसको भी हटा दो। चलो एरिया तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया, अभी टाइम, अरे यार ये टॉर्च प्लेस करने का टाइम, ये टॉर्च प्लेस होता है क्या इससे? अरे तो अच्छी बात है यार, बहुत सारे टॉर्च एक बार लगा के प्लेस कर देंगे। चलो अरे टॉर्च नहीं, अभी हमको प्लेस करने फैंसी, अरे यार प्लीज फैंसी ब्रिक्स, अरे यार फैंसी ब्रिक प्लेस कैसे होगा? चलो 1 2 3 हेलो, अरे प्लेस नहीं हो रहा यार ये तो, राइट क्लिक, हाँ ओके ऐसे प्लेस होगा। चलो ये भी, अरे वाह भाई ये तो टूट गया यार। अभी ऐसे करके मुझे ना पूरा एरिया पे ना फिल करना पड़ेगा धीरे धीरे करके, और क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ब्लॉक इसका है नहीं, यानी ख़त्म हो चुका है, अच्छी बात है। हाँ अभी टाइम आ चुका है सामान लेके जाने का। ओके व्हाट इज दिस, किसी का टमाटर सड़ गया है। ओके कोई ना, तो ये यूनिवर्सल चीज़ है इससे, यस आ जाओ शुक्रिया। तो गाइस हमको ये सब यूनिवर्सल ब्लॉक रिमूवर सब कुछ मिल चुका है, अभी सब कुछ मैं इधर से ले चुका हूँ। अभी पोटैटो वगैरह मुझे उगाना है। चलो जी अभी इधर ये रूम मेरा, ओके ये फिलहाल मेरा कोई काम का नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। चलो जी अभी आएंगे ना मज़ा। चलो अभी सबसे पहले जाते हैं हमारा बेस, जो इतना मेहनत से मैंने बिल्ड किया यार, कितने खतरनाक वाला बिल्ड है ना। हाँ हाँ चलो जी, ये बेस में बहुत सारे काम बाकी है, बट अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, अभी इधर रखते हैं। ओके TTG चलो जी इधर मैंने साइन बोर्ड भी लगा दिया है, अगर बाकी के डेकोरेशन भी करना बाकी है वो मैं धीरे धीरे करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतना मटेरियल तो है नहीं इसको डेकोरेशन करने के लिए, तो जितना हो सके मैं उतना तो करूँगा फिलहाल। चलो अभी जाते हैं घर के अंदर, ओ घर बहुत ज़्यादा खाली खाली है,
क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं मेरे पास। चलो जी ओके अभी पासवर्ड डालते हैं हम लोग, हमारे पासवर्ड है, बाकी इतने सारे सामान है ना वो रख देते इसके अंदर। चलो जी ये सब सामान रख देता हूँ, ये सब क्या है रोप वगैरह तो कचरा, अरे कचरा क्यों रखना है अंदर, कुछ कचरा वचरा है ना। ओके सब ये, अरे ये अंदर नहीं रखना फिर मैं भटा, ओके नहीं इसको अंदर रखो। ओके तो बाकी कुछ नहीं है ना, मेलन सीड भी ऐसा, ओके ये सब कोई कचरा है तो कचरा को फिलहाल ऊपर रखते। चलो जी अभी बाकी ये जितनी सारे चीज़ है ना, बेल फ्लेक्स सीड, फ्लेक्स सीड क्या होता है FLEX, तो फ्लेक्स को खाने का चीज़ है क्या, FLAX। ओके तो फ्लेक्स सीड से क्या बनता है, फ्लेक्स वाइल्ड फ्लेक्स फ्लेक्स, ओके इससे हम लोग, ओके नहीं ये फिलहाल नीडेड नहीं है मुझे, तो ये रखो। अभी मेरे पास है कैबेज टोमेटो एंड आई थिंक ओके कुछ सीड मिल गया, शुगर केन फिलहाल नीडेड नहीं है मुझे। चलो जी ओए और भी बाकी कचरा है ना ये फेंक दो। चलो जी आ जाओ अभी हम लोग थोड़ा सा सामान उगाते हैं। चलो भाई अभी आएगा ना कैबेज का मजा असली वाले, इधर टोमेटो भी उगा दिया कुछ कुछ, ओके और सीड नहीं है मेरे पास तो ये सब भी उगा देता हूँ फिलहाल के लिए। वीट्स भी उगा देता हूँ, चलो वीट भी उगा तो दिया है, बट अभी सीड कौन सा, मिलियन सीड तो नहीं उगा सकता मैं। ओके तो मिलियन सीड के लिए कुछ करना पड़ेगा, हेम्प सीड भी बेकार है, कुछ वीट सीड और भी है कुछ और, ओके कुछ और नहीं है हमारे पास तो जितना ही उतना ही काफ़ी है। अभी वीट भी लगा के देखो, मैं सबसे पहले खाने का इंतजाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक खाना नहीं होगा ना तब तक हम कुछ उखड़ नहीं पाएंगे। एंड मैं इधर जो फार्म बनाया था नहीं, फार्म से अगर मुझे ओके चलो फार्म जो बनाया था मैंने इस जगह पे इसको तोड़ते हैं। चलो जी चलो इधर से चलो, मेरे को 25 तो मिल चुके हैं अभी। एंड ये एंडरमैन ब्लॉक चोरी करके लेके जा रहे हैं, वाह एंडरमैन वाह क्या ही मजा कर रहे हैं। अरे अरे खुल जाओ थैंक यू, अरे मेरे घर के अंदर एंडरमैन क्या कर रहे हैं भाई। एंडरमैन जी ऐसा ऐसा पंगा ना लिया करें प्लीज, नहीं तो आपको मैं दुनिया से उड़ा दूंगा ठीक है। चलो थोड़ा खाना भी खा लेता हूँ और इसके साथ में काम भी कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। चलो गाइस आज घर बना के मैं पूरा थक चुका हूँ, तो कैबेज, अरे एक ही कैबेज मिला, 3 सीट मिल गया नाइस, इसको लगाओ। ओके कैबेज कैबेज उग जाओ, सब उग जाओ, सबके सब टोमेटो उगा दिया मैंने नाइस। चलो जी ये बढ़िया हुआ, इनको उगने देते हैं। एंड खाने का तो आई थिंक थोड़ा सा कमी नहीं होगा अभी, क्योंकि हमारे पास टोमेटो वगैरह भी आ चुका है तो इसको भी मैं खा सकता हूँ, बट इससे ज्यादा फूड सैचुरेशन नहीं मिलेगा, बट ठीक है। ओके सो गाइस आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं, क्योंकि बेस बनाते बनाते मेरा हालत हो चुके बहुत ज्यादा खराब और मैंने अच्छा खासा बनाया ठीक है। ओके सो चलिए गाइस आज के लिए वीडियो में इतना रखते हैं, प्लीज वीडियो तो आपको पसंद आया होगा, पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मत भूलो। ओके सो गाइस चलिए बाय, टाटा सी यू, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।